खबर सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। बड़ा दुख हुआ जी, बहुत कोई शक नहीं है जी, और इस खबर सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जी। अपनी माँ की डेथ के बाद कभी नहीं रोया। 2013 में मेरी माँ की सडन मर्डर हुआ था, उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। लेकिन मैं और बैरिस्टर शोएब जो थे अपने गेट पे, पहले मैं और इमरान रियाज होते रहे, उसके बाद मैं और बैरिस्टर शोएब जो है हम रोते रहे। फिर हम उनके घर गए, वहाँ उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, वहाँ सभी लोग जो है वो रो रहे थे। उनकी बच्ची को देखने का मौका मिला, उनके और घर वालों को देखने का मौका मिला। अनबिलीवेबल, मतलब नाकाबिल यकीन लगा कि ये चीज हो गई। मतलब ऐसा लगता था कि अभी कोई फोन आएगा, वो कहेगा कि नहीं वो जख्मी हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी मदर को देखा, बहुत ही वो कंट्रोल में थी। उन्होंने कहा कि बेटो, वहां शहरे और आफरीदी भी थे, वहां बहुत से लोग थे मीडिया के, और शेल शॉक्ड। और उनकी वालदा जो थी वो मसलसली कह रही थी कि मैंने तो उसको इसलिए जाने दिया था कि मैं समझती थी कि उसकी ज़िंदगी महफूज होगी, उसको यहाँ ख़तरा था। कोई गालिबन अफगान ग्रुप जो था वो थ्रेटन कर रहा था, कोई उस वक्त कोई इस तरह की खबर थी। और वहीं मुझे लोगों से पता चला कि वो, मैंने पहले भी सुना था लेकिन वहाँ भी सुना कि वो अबू धाबी चले गए थे, दुबई में थे। वहाँ दुबई की गवर्नमेंट ने, पहले वो वहाँ ठहरे हुए थे, उनको कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद आपको डिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप फौरी तौर पे 24 या 48 घंटे में दुबई छोड़ दें। और उस वक्त चूंकि वीज़ा फ्री एंट्री उनको कीनिया में मिली, वो कीनिया चले गए वीज़ा फ्री एंट्री में, बिकॉज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री दुनिया के अक्सर ममालिक में नहीं है, मेरे ख्याल तुर्की में है जो एयरपोर्ट पर मिलती है। तो वो वहाँ चले गए, और तो ये मतलब वहाँ सारी सिचुएशन हुई। और फिर बैरिस्टर शोएब ने मुझे कहा कि हमें एक कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल के एक पिटिशन डालनी चाहिए कि इसके क्या वजूहत हैं कि अरशद शरीफ जैसा शख्स जो है उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इसमें क्या हकीकत है कि दुबई की हुकूमत को, अबू धाबी की हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान ने डिपोर्ट करने के लिए कहा, क्या वजूहत, क्यों उनको ब्रिटिश वीजा नहीं मिला। तो ये तो यही मकसद है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल आतर मिनल्ला के सामने हम पेश हुए। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने अपनी पिटिशन दी है और उनके सामने एक मुख्तसर बात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस वाज शेल शॉक्ड। और इस खबर सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। बड़ा दुख हुआ जी, बहुत कोई शक नहीं है, और इस खबर सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा।